एट की फाइट का वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज का मुद्दा है तबादलों की बारी, विचारधारा भारी। भजनलाल सरकार को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कर्मचारियों के तबादलों पर कुछ भी नहीं हुआ है। तबादले की घड़ी का इंतजार में विधायक परेशान, माथे पर चिंता की लकीरें हैं और हाथ में डिजायर की, अपनी इच्छाओं की अंबार लिए वो अपने अपनी विचारधारा के कर्मचारी चाहते हैं। जब सरकार ही अपनी है तो फिर अपने इलाके में गैरों का क्या काम है। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा ने तो मंत्री मदन दिलावर से लेकर सीएम भजनलाल तक अपनी फरियाद पहुंचा दिया, जिसकी आस्था बीजेपी में ना हो ऐसे कर्मचारी नहीं चाहिए। बिलाड़ा के अर्जुन लाल गर्ग तो कर्मचारियों से कह रहे हैं या तो मानसिकता बदलो नहीं तो आपको बदल दिया जाएगा। सवाल उठता है कि कब तबादला नीति आएगी, कब तबादले होंगे, क्या विरोधी विचारधारा वाले कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो सकती है। चर्चा करते हैं, रिपोर्ट देख लीजिए। तबादलों की गुहार, मंत्रियों के पास विधायकों की पुकार। नक्सलवादी का विचारधारा रखते, धर्मों को नहीं मानते, ऐसे लोगों को हम डिगाएंगे। मंत्रियों से कह रहे हैं कि भाई हमारे काम नहीं बढ़े तो आप कम से कम उनको बदले। बीजेपी विधायकों की पसंद, कर्मचारी हों विचारधारा समर्थक। कई वर्षों से 5 साल से स्कूल है जो खाली पड़ी है, प्रतिशत के हिसाब से पूरे राजस्थान में शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है उसको सुधार कर मंत्री जी से निवेदन किया है। मंत्रियों के पास विधायकों के मन चाहे कर्मचारियों की डिजायर का अंबार। तबादले सतत प्रक्रिया है और क्योंकि शिक्षा विभाग के तबादले खुले नहीं, लेकिन जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ऑर्डर देंगे तो करेंगे। तबादलों की बारी, विचारधारा भारी। आइए परिचय करा देते हैं, 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका आपसे परिचय कराएं। डॉक्टर अपूर्वा सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अपूर्वा आपका। छिगन लाल यादव जी हैं, प्रवक्ता पीसीसी से, कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत छिगन लाल जी आपका। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश आपका स्वागत, और गजेंद्र सिंह राठौर जी, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत के, गजेंद्र सिंह राठौर जी आपका स्वागत। कर्मचारियों के जुड़ा हुआ यह मसला है, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा मसला है। सबसे पहले गजेंद्र जी आपसे एक जवाब चाहेंगे, अभी क्या एग्जैक्ट स्टेटस है? अगर हम गलत नहीं तो 8.5 लाख के करीब करीब राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या है, स्टेटस क्या है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर? अपेक्षा आस उम्मीद मौजूदा राज्य सरकार से क्या लगाए बैठे हैं कर्मचारी? जी रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने एक स्थानांतरण पे और कर्मचारियों की जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर आपने कर्मचारियों की सुध ली, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी, मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की जो जब ज्वाइनिंग होती है और उस समय जब ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके, पहले तो ये देखा जाए कि जिले में है या नहीं ये जगह, जिले में नहीं है तो उसके पड़ोस वाले जिले में किया जाए। अब आप देखिए कि स्थानांतरण की इतनी मारामारी क्यों हो रही है। राठौर जी, एक चीज, एक मैं रोक रहा हूं आपको, देखो रोक, ये क्योंकि डिबेट है, बीच में क्रॉस क्वेश्चन भी होंगे। जिले में ही क्यों चाहिए, जिले में ही क्यों चाहिए पोस्टिंग? नहीं, घर आप कार्य कुशलता बढ़ेगी इसमें, और फिर बाद में कार्य कुशलता कैसे बढ़ेगी सर? मैं सब पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कुछ कर्मचारी के आप नहीं मानते कि अगर जिले में उसको पोस्टिंग मिल जाती, मेरे को आपत्ति है, मुझे सवाल है मेरे मन में कि अगर किसी को उसके जिले में मिल जाती है तो फिर वो तो घर पर ही बैठा रहता है। कुछ 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 कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे है कि नहीं है? वो घर पर ही बैठे रहते हैं, काम पर नहीं जाते। नहीं, तनख्वाह मिलती है सरकार की, और तनख्वाह जब सरकार देती है लोग कर्म, ठीक है चलिए, आपने बताया कि जिले में मिलनी चाहिए, नहीं मिली जिले में तो बराबर के जिले में मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अब देखिए, आप एक कर्मचारी जिसको बाड़मेर का कर्मचारी है उसको भरतपुर लगा दिया जाता है, कई बार होती है जिसकी कर्मचारी जो अभी आप जैसे कह रहे थे कि ये चल रहा है, जैसे विचारधारा के हो, जब कांग्रेस आती है उसमें कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि राजस्थान का कर्मचारी इसमें कहीं कांग्रेस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, राजस्थान का कर्मचारी जो भी सरकार होती है उसका अभिन्न अंग है। हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा था, हमारा संवाद हुआ था, उसमें एक ही चीज कही थी कि राजस्थान की सरकार, अगर सरकार कर्मचारियों से व्यवहार अच्छा रखे तो कर्मचारियों
की सुविधाओं का ध्यान रखे। बिल्कुल, तो गजेंद्र जी मैं अब ये जानना चाहूंगा अभी क्या अपेक्षा और उम्मीद आप लोग कर रहे हैं जनता में, क्योंकि सर ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या आपको लगता है, ये तो हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है कि हर एक कर्मचारी को उसके जिले में पोस्टिंग दे दी जाए, अभी फिलहाल क्या उम्मीद है? नहीं, अभी हमारी ये उम्मीद है कि स्थानांतरण खोली जाए। दूसरा, हमारा जो कुछ ऐसे भी है, क्योंकि स्थानांतरण पे बैन होना ही नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में आपको बता दूं एक सिस्टम है जिसमें कर्मचारियों की जैसे पोर्टल पे रिक्त स्थान होता है उस पे सीनियरिटी से उनका स्थानांतरण सरकार करती है, तो राजस्थान में भी एक ऐसी पोर्टल की व्यवस्था की जाए जिससे जो भी कर्मचारी बाहर है उनको सीनियरिटी से यहाँ लाया जाए। दूसरा, जो कर्मचारी है जिनको टीएसपी में डाल दिया गया, किसी कर्मचारी को अलग अलग कर दिया। और आपको अपूर्वा जी से बात करता हूँ, अपूर्वा जी पहला सवाल तो ये है कि ये, हाँ मैं आ रहा हूँ, अपूर्वा जी से लेता हूँ, बीजेपी से हैं और सरकार है बीजेपी। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा जी ने ये कहा कि बीएपी की विचारधारा, भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा के लोग, नक्सलियों की विचारधारा के लोग, इस तरह के विचारधारा के लोगों को हटाना है अपने इलाके से। दूसरी ये बात कि अभी आपने सुना भी राठौड़ साहब को, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कर्मचारियों को कोई विचारधारा नहीं होती, वो जो सरकार होती है उसको जो काम दिया जाता है, जो काम उसका है वो करता है। क्या कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है? इतना विलंब क्यों हो रहा है? और जो सुझाव दिए गए हैं, क्या ये सुझाव अभी तक मांगे गए हैं? और नहीं मांगे गए हैं तो कब मांगे जाएंगे? नहीं मांगे जाएंगे तो क्या इन पर विचार किया जाएगा? अपूर्वा जी, देखिए रविंद्र जी, आदरणीय भजनलाल जी की जो सरकार है वो कभी भी वैमनस्य, द्वेष या बदले की भावना के साथ में काम नहीं कर रही है। तो आप देखिए पिछली जो कांग्रेस की सरकार में जिन कर्मचारियों का जहां पर पोस्टिंग थी, अभी भी मोर और लेस वो लोग वहीं पे पोस्टेड हैं। उसका कारण सिंपल सा ये है कि जो कर्मचारी होते हैं वो जनता की तरह ही ना तो बीजेपी के होते हैं ना कांग्रेस के होते हैं, वो सरकार के होते हैं। सरकार फिर चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनका दायित्व बनता है कि वो जनता की सेवा के लिए चुन के कर्मचारी बने हैं और उस सेवा को वो एकदम अपनी बिल्कुल निष्ठा के साथ। अमृतलाल मीणा जी ने जो बयान मैं उसी पे आ रही हूँ, मगर कुछ स्थानों पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि कर्मचारी जो है वो अपने कर्तव्य को भुला करके, अपनी ओथ को भुला करके, अपनी निष्ठा को भुला करके जनता की सेवा करने की बजाय किसी एक विचारधारा, वैमनस्य या द्वेष से भरी हुई विचारधारा के साथ में कुछ जगह पे काम कर रहे हैं। मगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे राजस्थान पधारे थे तो उन्होंने सभी विधायकों से एक निवेदन किया था कि आप बदले की भावना से कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए जो है वो इंसिस्ट ना करें, कर्मचारियों की विचारधारा बदलने के ऊपर और मनोभाव को बदलने के ऊपर आप फोकस करें। हम लोगों ने 6 महीने वो करने का भरसक प्रयास किया और हम आज भी ये कह रहे हैं कर्मचारियों से कि आप जनता के प्रति जो आपकी सेवा बनती है आप उसको करिए, अगर आप नहीं करते हैं। समझाइए जरा, थोड़ा रोशनी डालिए, विचारधारा बदलनी मतलब जी कौन सी विचारधारा से किस विचारधारा में बदलना है? वैमनस्य और द्वेष के साथ में कार्य मत करिए, वैमनस्य और द्वेष के साथ में कार्य मत करिए, भ्रष्टाचार को आप पनपने मत दीजिए, ना भ्रष्टाचार के बारे में सोचिए, क्योंकि ये बहुत ईमानदार सरकार है। ठीक है, तो 6 महीने का वक्त दिया, फिर अब डॉक्टर पूर्वा आप आने देंगे। जहां तक रही, एक मिनट रविंद्र जी, जहां तक रही पॉलिसी की बात, तो हमें 6 महीने मिले जिसमें से 100 दिन, मैं कहती हूँ मोटे मोटे 3 महीने हमारे जो आचार संहिता में चले गए, 3 महीने के अंदर हमने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिए और अब हर डिपार्टमेंट के अंदर समिति बनाने की तैयारी है, समिति बनाएगी और समिति के अनुसार हम इस चीज का निरीक्षण करेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रांसफर की पॉलिसीज बनानी है और हम इसके ऊपर एक ठोस ट्रांसफर की पॉलिसी लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पंचायत चुनाव आ जाएंगे, 5-5 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, नगर निगम के चुनाव होने हैं, तो हम कब तक मान लें ये पॉलिसी बन जाएगी? शिक्षा विभाग के अंदर, शिक्षा, एक मिनट रविंद्र जी कंप्लीट होने दीजिए, शिक्षा विभाग के अंदर आप देखिए बच्चों के एग्जामिनेशन सर पे थे, लास्ट मोमेंट पे अगर आप टीचर्स को बदलते हैं तो एक रेपो चेंज हो जाता है, एक जो इनके बीच में सामंजस्य होता है वो स्थापित हो जाता है। तो इस वजह से इन छुट्टियों का इंतजार किया जा रहा था, आसपास के राज्यों की जो पॉलिसीज है ट्रांसफर की उनको अच्छे से स्टडी किया जा रहा है और एक ठोस नीति के साथ में हम लोग जल्द आने वाले हैं। छिगनलाल जी के पास में आऊं, राठौर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, आप जरा जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें तो मैं छिगनलाल यादव जी पास जाऊंगा फिर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले दिनों स्कूलों की छुट्टियां थी और आराम से तृतीय श्रेणी शिक्षक तो इतने हो गए
कि उनकी भाषा तक चेंज हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ रविंद्र जी कि वो लोग तरस रहे हैं पिछले 10 साल 15 साल से कि हमारा स्थानांतरण हो। हम पिछले 5 सालों में आंदोलन किए थे स्थानांतरण के लिए, बड़ी विडंबना है सरकार की कि 5 साल विडंबना है कि आंदोलन किए स्थानांतरण, और वो भी फर्स्ट ग्रेड का हो रहा है, थर्ड सेकंड ग्रेड का हो रहा है, थर्ड ग्रेड के शिक्षक है उनसे आवेदन भी मांगे थे, उसमें 85,000 आवेदन आए थे, उसके बावजूद भी उन्हें कोई स्थानांतरित नहीं किया गया। अभी भी बैन खुला था जब हमारी ये दूसरी सरकार, यादव जी मैं सीधा आपके पास आता हूं, मैं अगर शिक्षा विभाग की अगर बात करूं तो ये बार बार अब उसी वाक्य का जिक्र होता है कि मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये पूछ रहे थे शिक्षकों से भाई पैसा लगता है ट्रांसफर पोस्टिंग में, तो कहा कि हाँ लगता है। तो उस वक्त तो ये व्यवस्था थी, आरोप ये भी लगते थे कि हर जिले में एक सीएम हुआ करता था, ये तब की स्थिति थी। और अभी की स्थिति में यहां पर कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, कर्मचारी तो बेचारा बीच में पिस रहा है, विचारधारा के ऊपर के भी उस पर आरोप लग रहे हैं। बोलिएगा छिकनलाल साहब। रविंदर जी मैं आपसे एक सवाल है कि सरकारें नीति से चलेगी या विचारधारा से चलेगी? अरे पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अब तो लग रहा है कि हर विधायक अपने आप में सीएम है, जिस प्रकार की भाषा यूज कर रहा है, जिस प्रकार की मुख्यमंत्री बौखलाहट में भाषा यूज कर रहा है, जिस प्रकार इनके मंत्री बौखलाहट में भाषा यूज कर रहे हैं, जो पर्ची के सरकार है, पर्ची के मुख्यमंत्री है, पर्ची के मंत्री है, उनको खुद को मालूम नहीं है, मंत्री इस प्रदेश में है, उनको पर्ची का कहने का अधिकार कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं है। और अगर इस तरीके की बात करेंगे तो मैं बहुत ही खेलकूद तरीके से कहना चाहती हूँ कि पिछले पांच सालों के अंदर जो भ्रष्टाचारी लोगों ने तबादलों के अंदर बचाया, मैंने सुना इनको, सुनने का मादा मैंने सुना था सर। एक मिनट छिगन जी, देखिए छिगन जी बिल्कुल, देखिए अपूर्वा जी उन्हें सुना आपको, एक मिनट अपूर्वा जी उन्होंने सुना आपको, और छिगन जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए, ये जरा इस तरह की टीका टिप्पणी ठीक नहीं, प्लीज बंद करें बौखलाहट को, बंद करें। हाँ बस आइए मुद्दे पर आइए, छिगनलाल जी मुद्दे पर आइए, छिगनलाल जी बताइए, आप कह रहे थे नीति से चलेगी या नीति से चलेगी, पॉइंट पर आइए सर, पॉइंट पर आइए छिगनलाल जी, अपूर्वा जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज हो चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, बताइए साहब बताइए, सारे बौखलाहट में इनके, नहीं नहीं अब आइए बात कीजिए, काम की बात कीजिए, सरकार चलानी है, क्या क्या किया 6 महीने में गहलोत जी के सामने जनता ने, प्रधानमंत्री शिक्षकों ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री आकर के झूठ बोलते हैं प्रदेश में, और कांग्रेस की सरकार को बदनाम करते हैं, लेकिन आज इनके मुंह में छिगनलाल जी मुझे आप ये बताइए मुद्दे पर आते हुए कि आपको क्या लग रहा है ट्रांसफर की पॉलिसी अभी तक क्यों नहीं बनी? छिगनलाल जी आप बताइए जरा, आखिर क्या चाहती है कांग्रेस, आखिर क्यों डिले हो रहा है? भाजपा के प्रवक्ता को चुप कर रहे हैं नहीं कर रहे आप? भाजपा के प्रवक्ता को चुप कर रहे हैं नहीं कर रहे? ये बौखलाहट है इनकी, ये बौखलाहट है इनकी, भाजपा के प्रवक्ताओं की, भाजपा के नेताओं की, ये आज समाज को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, विचारधाराओं नीति के नाम पे देश को बांट रहे, बंद कीजिए आप इनको, और यदि बंद करने का मादा नहीं आपका तो फिर क्यों बुलाते हो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को? छिगनलाल जी एक मिनट, लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, छिगनलाल जी क्या तमाशा लगा रखा आप लोगों ने, क्या बदतमीजी करेंगे, क्या बदतमीजी की मैंने, प्रधानमंत्री जी के लिए आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए ना, आप भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए ना, 6 महीने से आपके टाइम में कर्मचारी 3 गुना हो गया, देखिए ना, विधायक मुख्यमंत्री को चुनते हैं, पर्ची से थोड़ा चुना जाता है। अच्छा चलिए मैं एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है आप दोनों रुकिएगा क्योंकि मिथिलेश सर से मैं बात नहीं कर पाऊंगा अगर आप शोर करेंगे तो, मैं राठौर साहब आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूं, और क्योंकि आपने खुद कहा कि एक कर्मचारी किसी विचारधारा से किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होता, यह आपने कहा, जरा मुझे बताइएगा, हर साल सरकार बदलती रही, आप भी लगातार कई सालों से सरकारी कर्मचारी प्रदेश में हैं, नीतियां चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, क्या ट्रांसफर की नीति राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित की अभी तक रही है किसी भी सरकार में? नाम मत लीजिएगा किस सरकार में, किसी भी सरकार में, यदि म्यूट करना है तो मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ रविंद्र सिंह, अरे मैं आ रहा हूँ साहब, आप एक मिनट में आ रहा हूँ छिगनलाल जी मैं आ रहा हूँ, कोई नीति नहीं बनाई, शांति से सुना और आपने मेरा माइक म्यूट कर दिया, म्यूट नहीं किया आपकी आवाज जा रही है, म्यूट नहीं किया भाई साहब, आ रहा हूँ एक बार सुन लीजिए छिगनलाल जी, नहीं यदि ये बदतमीजी करनी है तो मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ, कोई भी सरकार बनी है, देखो मैं आपको बताऊं, मेरे को शौक नहीं है डिबेट बैठने का, आपको जरूरत है तो कांग्रेस को बुलाया करो। अरे गजेंद्र सिंह राठौर जी एक मिनट रुकिएगा, मैं ये एक मिनट गजेंद्र जी आपको मैं रुकना चाह रहा हूं, एक मिनट आपको रुकना चाह रहा हूं, और अपूर्वा जी मेरी आपसे गुजारिश है जरा छिगनलाल जी को सुन लीजिए,
उनको भी रखने का अपनी बात का पूरा अधिकार है। मेरी भी आपसे गुजारिश है मुख्यमंत्री जी के लिए, मैं यहाँ पे अभद्र टिप्पणियां नहीं सुनूंगा। अरे भाई मैं आपका फैसला थोड़ी कर रहा हूं, यहां पे बैठा हूं जनता के प्रति। प्लीज छगन लाल जी, छगन लाल जी क्या हुआ, क्यों आप लोगों ने पूछ रहे ना, पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने, पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने, पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने, पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने, प्रधानमंत्री के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई क्या, प्रधानमंत्री के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई क्या, जवाब दीजिए ना, प्रधानमंत्री के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई क्या, प्रधानमंत्री के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई। अच्छा मिथिलेश सर की आवाज ले लेते हैं एक बार, क्योंकि वो भी स्टूडियो बैठे हुए हैं जयपुर में। मिथिलेश सर, मिथिलेश सर मुझे बताइए कि अभी भी मांगना चाहते हो, अभी बताइए ये कर्मचारी किस ट्रांसफर पॉलिसी से खुश होंगे और सरकार अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं बना पाई है? क्या इसको हम कहें कि जल्दबाजी में हम कह रहे हैं कि ये अभी बनाने में थोड़ा वक्त दे दीजिए, या फिर अभी ज्यादा वक्त लग रहा है? और कांग्रेस के शासनकाल में पिछले 5 साल में कैसी ट्रांसफर पॉलिसी रही थी? लेकिन हिम्मत नहीं है ना एक्शन लेने की। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कर्मचारी की मॉनिटरिंग और उसका आउटपुट चेक करने का सिस्टम चला गया। आप 1980 और 1990 के दशक में देखिए, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है, उस दौर में इंजीनियरों ने इन्होंने बिजली और पानी की लाइनें बिछा दी। लेकिन आप पिछले 10 साल में जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आई है, गाड़ियों में GPS लगना चाहिए, वर्किंग आउट होना चाहिए कितने बजे, जिस तरीके से भी केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर 9:15 आपका अंगूठा नहीं लगेगा तो हाफ डे लग जाएगा। तो आप तबादला के साथ आउटपुट पॉलिसी कुछ नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल वोटों के खातिर और राजनीतिक लाभ के खातिर आप कर्मचारियों को सिर पे बिठाएंगे तो रोज आप देखते हैं ACB में पकड़े जाते हैं। करप्शन किस तेजी से कर्मचारी वर्ग में फैल रहा है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टीचर्स के ट्रांसफर है उसके लिए एकदम ट्रांसपेरेंस पॉलिसी बने, मॉनिटरिंग सिस्टम हो कि जिनका रिजल्ट अच्छा है उनको दिया जाएगा ट्रांसफर का बेनिफिट। कुछ ऐसा होना चाहिए कि आउटपुट जिसका अच्छा है 50%, 20%, 70%। जब तक आप ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं बनाएंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, फिर हाथ खड़े करवाएं, चाहे अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, शिक्षा मंत्री, यहां पैसे दिए दिए, वो बात चलेगी। तो इसका मेजर सॉल्यूशन है कि कुछ ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल में होने चाहिए, कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होने चाहिए। मान लीजिए किसी की कोई बड़ी डिजीज है या कुछ है तो उनके लिए आप सिंपैथेटिकली सोच सकते हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो RSS वालों को बाड़मेर और बांसवाड़ा टांगा जाता है, ये सच्चाई है। और जब बीजेपी की सरकार आती है तो वो भी आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, बदले वाली भावना खत्म होके एक बदले वाली भावना खत्म होनी चाहिए। लेकिन छगन लाल जी, मैं लगातार वही सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे। अब या तो आप दोनों आपस में बात कर लीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, या मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को क्या लगता है कि इतना डिले क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है ट्रांसफर? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता के काम करे। आज प्रदेश में क्या स्थिति है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। आज अभी एक घंटे पहले क्राइम की किस तरह क्राइम बढ़ा है राजस्थान में, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। अरे सर मर्डर जो आज क्राइम पर नहीं है सर, आप कर रहे हैं धरना प्रदर्शन कोटा में, ठीक है। अरे सर इनको बंद बात करनी है, आप सुनने का मजा रखिए, इनको बोले सुनने का मजा रखिए, झूठ बोलना बंद करे। NCERB के डाटा है, बोलिए ना आप, इनको बंद रहे, चुप रहे, बोलिए ना, और नहीं बोल रहे तो मैं टिकट छोड़ू, नहीं आपकी हिम्मत है इनको बंद करने की तो मैं टिकट छोड़ू। छगन लाल जी एक मिनट रुकेगा, जरा रुकेगा, मेरा जो सवाल आपसे था आप उसका जवाब दीजिए। अपूर्वा जी जब वो जवाब नहीं दे रहे हैं, एक मिनट अपूर्वा जी मैं आपसे लगातार शुरुआत से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, छगन लाल जी को बोलने दीजिए। छगन लाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सुनेंगे नहीं, बोलते बोलते जाएंगे। छगन लाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? भागते रहेंगे। छगन लाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? करिए आप आराम से डिबेट दीजिए इनको। छगन लाल जी आपकी आवाज आ रही है, जरा बोल दीजिए आप, बस खत्म होने वाली है डिबेट। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं आपसे शुरू से ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है। सरकार से क्या आप चाह रहे हैं? पार्टी के मुंह से शोभा देती नहीं है, जा सरकार के पर लीक हो गया। चारों ही मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मिथिलेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़े। तो ये आपने दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं की बातचीत को सुनकर जान लिया होगा, समझ लिया होगा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग ये ऐसी दुखती रग है या ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसको लेकर सरकार को आनंद भी आता है और सरकार घिरती भी।
लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरीके से जल्द मौजूदा सरकार इस पूरे मसले का हल निकालती है और कांग्रेस कितना आक्रामक होकर इस मसले पर अपनी बात को रखती है और क्या कर्मचारी संगठन सरकार तक अपनी अपेक्षाएं अपनी उम्मीदें पहुंचा पाते हैं नहीं पहुंचा पाते हैं नजर रहेगी हमारी। लेकिन आज 8 की फाइट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।